हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग GVIC यूट्यूब चैनल को राम। टुडे योर टॉपिक इज क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 5.3। सो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, लिसन टू केयरफुली। टुडेज योर टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स इन फ्रैक्शन। सो आज हम आपको फ्रैक्शन में किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है और रेसिप्रोकल क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो लेट्स सी एक्सरसाइज 5.3। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर वन का ये देखिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो हम मल्टीप्लाई किसी दो नंबर या दो से अधिक नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। जैसे दिया है 7/8 इंटू 5/8। 7/8 इंटू 5/8 इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, अगर ऊपर से नीचे अगर कोई संख्या किसी टेबल से डिविजिबल हो रहा है, कट रहा है, तो उसको काट भी देते हैं, छोटा हो जाता है। जिससे इस समय तो ऊपर से नीचे कोई संख्या किसी से कट नहीं रहा है, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35, 8 और 8 का मल्टीप्लाई 64। ये आपका आंसर आ गया। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से जिसमें कट रहा है कटने वाला सिस्टम बताते हैं। नंबर बी 25/10 इंटू 15/50। देखिए इसमें बच्चों, इसमें ऊपर से नीचे हम किसी भी टेबल से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 25 का टेबल ही पढ़ ले तो 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50 कैंसिल कर दिए। उसके बाद हम 5 का टेबल लेते हैं तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। 5 के टेबल से हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, छोटे हो गए। इसके बाद देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 और 1 जो बचा है 3 1 जा 3 एंड 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 3 अपॉन 4। ये आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट वेदर द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पूछ रहा है दिए गए फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल हम करेंगे, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो वो प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर होगा। चलिए देखिए नंबर ए 2/3। तो इसका पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि दिए गए फ्रैक्शन को या इसमें वन से दिए गए फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें, जो जो आता है वैल्यू वो हमारा रेसिप्रोकल होता है। इस प्रकार से 1/2/3, ठीक है, 1 को डिवाइड कर दे 2/3 या दिए गए फ्रैक्शन से, जो वैल्यू आएगी वो होती है रेसिप्रोकल। जैसे हम इसका रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे तो ये ऊपर नीचे पलट जाएंगे 3/2, तो आएगा 3/2। तो ये हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 = 3/2। डायरेक्ट कैसे, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो वो आपका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सभी इसी प्रकार से लगना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ क्वाइसेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड में दिया गया है, आपसे क्वाइसेंट पूछा है। क्वाइसेंट आप समझते ही हैं, हिंदी में इसको भागफल कहते हैं। चलिए ये आप समझ गए होंगे, इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्वाइसेंट। आपका क्वेश्चन है 5/8 / 7/5। 5/8 / 7/5
तो आपको क्वाइसेंट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, तो क्वाइसेंट फाइंड करने के लिए आपको दिए गए फ्रैक्शन को नोट करना है 5/8, और जहाँ डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई लगा के इसको पलट देना है। ये हो जाएगा 5/7। फिर आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में आ गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब 5/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 8/7 का मल्टीप्लाई करेंगे 56। ये आपका आंसर हो गया 25/56। और देख लीजिए, जैसे बी वाला है 3/8/4, ओके। तो यहाँ पे एक ही संख्या है, होल नंबर में है, तो लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई, ये होल नंबर में है, इसको लिखेंगे 1/4, फ्रैक्शन में आ गया, ओके। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3 एंड 4 8 32, ये भी आंसर आ गया। ये सभी आपके क्वाइसेंट हो गए, ठीक है बच्चों, आप समझ गए। तो इसमें इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।